वंदे मातरम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है और उसका लास्ट डिजिट अगर 5 है, उसका लास्ट डिजिट 5 है फ्रेंड्स, तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल पाओगे फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 35, फर्स्ट नंबर क्या है फ्रेंड्स 35। वेरी इजी ट्रिक फ्रेंड्स, चुटकी बजा के आंसर, चुटकी बजा के मैच। तो आपको क्या करना है, 35 का स्क्वायर करना है। तो 35 मल्टीप्लाई 35 करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड्स सिंपली कुछ भी टू डिजिट नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, लास्ट टू डिजिट लिख दीजिए 25, एंड फर्स्ट टू डिजिट्स के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो 3 है उसकी प्लेस पे आप लिख दीजिए 4, उसमें एक ऐड कर देना है, 3+1 4 मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको। फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 3 12, तो फ्रेंड्स आपको आंसर मिल गया, जो 35 स्क्वायर है वो आपको मिलेगा 12 25, है ना इजी फ्रेंड्स, चुटकी बजा के मैथ्स। और एक एग्जांपल करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स डू इट। एग्जांपल नंबर 2, आपके पास 75 है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 75 है तो लास्ट टू डिजिट आपको 25 लिख दीजिए, फर्स्ट डिजिट के लिए 7+1 दैट इज 8 मल्टीप्लाई 7 कर देना है, तो 87 सा कितना होता है 56, तो आपका आंसर आ गया 56 25, आपको आंसर मिल जाएगा कितना 56 25, और 75 का स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। वेरी इजी टेक्निक, चुटकी बजा के मैच। और एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको 25 स्क्वायर करना है, क्या करना है 25 होल स्क्वायर करना है, तो उसके लिए आपको लास्ट टू डिजिट 25 लिख देना है, 2 में +1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 3 2 6, 625 इज योर आंसर फ्रेंड्स, है ना इजी टेक्निक, चुटकी बजा के मैच।